मेरे को बब्बू मानोरी आते हैं, मैं हूँ रिकॉर्ड कह रहा, उन्होंने कहा कि इदा के गाने ना गौरव त्रेन सुना, ये बब्बू ने दसी मैनू गल। मैं अब पहली बार जेकर गल मैं कभी की नहीं, तो मैं उत्थे बब्बू मानोहरा की कहना, बब्बू मानोहरा नाल जे कदे सब बने आप तिने बह के गल करिए। सीन अज भी मेरे याद है जो मैंने बब्बू होरा ने यह गल कही, यह गल मैं कर रहा 97-98 होगी, जो बाबे नानक उन्होंने कहा कि असं 70 च रहने होंगे बब्बू होरी उदों, बब्बू मानोहरा ने उही उसूल अज भी चले आ रहे। मैं इतने यह भी गल कहना पहली बार तुहाडे एन ते कहना, अगले दिन मेरे को मनमोहन वारस कमल हीर हो रही, संगतार हो रही, तो दीपक वाली हो रही, ये चार एक गड्डी च आउंदे ने। एक शर्त रखी उस टाइम पर बब्बू होरा ने, पिट पिछे कोई कुछ कही जाए मूँह से आके अपने को, मैंने तो लगता नहीं कि मेरे मूँह से आके कहने किसी कोई हैगा, जो मेरे याद है मेरे जगह तक भी याद है गल कितने आई सी, मेरी आपकी गड्डी छड के मैं तुर के आना पैंदा कि दूर तक। सत श्री अकाल जी, मैं थोड़ा अपना सत्ती, तो तुम देख रहे हो चैनल सतरंग का प्रोग्राम सतरंग सैलीब्रिटी। तो मैं उम्मीद करता कि तुम सारे जने ठीक होवोगे, तो अपने अपने घर होवोगे। तो अज्ज के इस एपीसोड के साथ बहुत खास मेहमान मौजूद ने। दोस्तों, यह गल तो हर कोई जानते ही कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सितारियों की जो आप गल करिए उन्होंने तो सारे पसंद करते हैं, प्यार भी करते हैं। तो आम अक्सर सानू सोशल मीडिया उत्ते उन्होंने इंटरव्यूज़ के उन्होंने लाइफ और उन्होंने बारे जानने को बहुत कुछ मिल जाता है। पर जे हुण आपां गल करिए उन्हां लोकां दी जिहड़े कि इन्हां नूं तराश के अगे लैके आउंदे ने, जिन्हां नूं कि पंजाबी संगीत जगत दे विच प्रोड्यूसर यानी कि निर्माता भी कहा जांदा, उन्हां दी लाइफ बारे बहुत घट लोग जाणदे हुंदे ने। ते ऐसे ही एक महान निर्माता साडे नाल स्टूडियो दे विच मौजूद ने, जिन्हां ने कि अपने करियर दे विच बहुत सारे सुपरहिट सिंगर इस म्यूजिक इंडस्ट्री नूं दित्ते, बहुत सारे लिखे हुए गाने उन्हां दे सुपरहिट होए ते पसंद भी लोकां ने बहुत ज़्यादा कीते, ते खास गल उन्हां दी शख्सियत करके पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री उन्हों का दिलों रिस्पैक्ट ते प्यार करती है उन्होंने। सो मैं ज़्यादा गल्लां ना करते हुए स्वागत करदा जी अपने स्टूडियो दे विच सुर संगम कंपनी के मालक और प्रसिद्ध लिरिसिस्ट ते प्रोड्यूसर जरनैल घुमाण साहब का। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सतरंग चैनल देख रहे सारे दुनिया भर में वसदे पंजाब पंजाबी पंजाबी तुहानू प्यार करन वाले धिरां नू सारे दोस्तों नू मेरे वालों जरनैल घुमाण वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। होर किवें निकली जी लाइफ? लैफ वधिया, तुहाडे सामने बहुत खुश हाँ, बहुत आनंद चा, तुसीं इन्ना कुछ बोलता है, इन्ने दा आपां काबल नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो फिर भी कुछ नहीं बोलिया, क्योंकि तुहाडी जिहड़ी लाइफ हैगी है, जर्नी हैगी है, जिन्ना कुछ तुसीं इस म्यूजिक इंडस्ट्री नूं दित्ता है, फिल्म इंडस्ट्री नूं दित्ता है, वो मतलब कि कुछ भी मैं हले बयान नहीं कर सकिया। वो गल्लां सारियां आपां अज इस इंटरव्यू दे विच करन लई तुहानूं बुलाया इत्थे, सो थैंक यू सो मच तुसीं पहला अपना टाइम दिता सानूं, क्योंकि बहुत टाइम तो मतलब कि जिहड़ा वार्तालाप चलदा सीगा इन्हां गल्लां बारे, है ना, कि इत्थे इकट्ठे होना ते अज सबब बणिया। उहदे वास्ते पहलां तां मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैनूं बहुत जल्दी आना चाहिए सी, मतलब मैं हज़ार तुहाडियां इंटरव्यू लंघण तों बाद आया, क्योंकि मैनूं पहलां आना चाहिए सी, सबब नहीं बन सकिया। चलो अज अच्छा दिन चढ़िया कि मैनूं मौका मिलिया कि मैं तुहाडे सामणे आ, ते अच्छी अच्छी गल है कि जो एक चीज़ होर मैं कहांगा इत्थे, हाँ जी, साढ़े वर्गे बज उम्र के पड़ा च पहुँच के उदो बहुत चंगा लगता जी, जिहड़े बच्चों असी इन्न देखा हो, है ना, वो साढ़े नाल मतलब इदा गल कर साड़ी इंटरव्यू लैन, है ना, कि उन्होंने वो जर्नी के दौरान आपके दिन अगे पुंगरे होंगे ने, बड़े होंगे, पेड़ जो बड़ा होंगे ना जी, जो मतलब पेड़ बड़े होन तो वो शाम आनन मिलती है, तो बहुत खुशी, मैं दूरी खुशी इस करके है कि एक सतरंग चैनल आपका एक अज दुनिया के एक नाम बनया हुआ है, एक अमेज है, हरेक बंदा चाहता है कि मेरे उत्ते इंटरव्यू हो। दूजी ये है कि साडा एक आपके हत्थां च पलिया हुआ सत्ती मतलब मेरी इंटरव्यू ले रहा है, मैनू अज मतलब मेरे वास्ते बड़ा दिन है। ये मेरे वास्ते बहुत वड्डी गल है, क्योंकि मैं छोटे हुंदिया तो थानू मतलब कि देखता आया, है ना, थोड़िया फॉलो करता है, किन्ने आर्टिस्ट तुसी इस इंडस्ट्री ने दिते जिन्हां नूं असीं देख देख के वड्डे होए, है ना, तो मेरे लिए बहुत वड्डी और माण वाली गल सी कि अज थोड़े नाल बैठ के गल्लां बातें करनी है जी। तो हुण आपां गल्लबात दे उत्ते आउंदे आ कि अजकल लाइफ दी रूटीन की चल रही हैगी, पहला अजकल दी गल करांगे फिर आपां पिछे जावांगे थोड़ा जिहा। देखो, जिंदगी दा दिनचर्या तो हरेक दा आपदा आपदा बणिया हुंदा जी, समां बदलदा रहिंदा, समें दे नाल जिंदगी बदलदी रहिंदी है, कुछ चीज़ां तुहाडियां सफ़र दौरान छुट जांदियां ने, जिवें आपां गल करिए मेरे 35 साल हो गए मैनूं इस इंडस्ट्री च, हाँ जी, तो मेरियां कुछ चीज़ां यादा इदां दी सीगियां वी आप कुछ करना चाहुंदे सी, तो हुण तां सारी दुनिया स्टक है, पर मैं स्टक नहीं रहा, मैं लॉकडाउन दे दिनां दे विच वी मेरियां पेंडिंग पईयां 9 किताबां मैं कंप्लीट कीतियां जिहड़ियां कि मैनूं बहुत पहलां कर लैणियां चाहीदियां सी, मैं नवीआं फिल्मां ते कम करवाया, मैं नवीं वैब सीरीज़ पर कम करवाया, नवे नवे कुछ वेंचर किए जो कि आने वाले दिनों सामने आने, मतलब हूँ मैं लग रहा कि जो जिंदगी का दूजा पड़ा है, मैं कई जगह पर जिक्र किया कि मैं अपनी जिंदगी की जी फिल्म हैगी है
ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਮੰਨਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ ਅਨਮੁੱਲੇ ਰਿਟਰਨਸ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲ ਮੰਨਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈਏ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਈਏ ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੀਕਰੇਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਅੰਕਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਵਿਤਾ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਪੀਡ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਰਨੈਲ ਘੁਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਫਾਸਟ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਡਿੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਆਈਡੀਏ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੋਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਛੱਡ ਪਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਮਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤਸ਼ਵੀਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਉਹ ਸਪੀਡ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਭੱਜਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੈਂਦਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿੜਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਆਪਦੇ ਇਹ ਅੱਧੇ ਪੀੜ 'ਚ ਕਰ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪਰ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਤੇ 19 ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੁਲੀ ਆਊਗੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੋੜ ਆਊਗਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੰਪ ਆਊਗਾ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਸਪੀਡ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਾਂ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਂ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੋਗੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰ ਪੱਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਸੂਲ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢੋਗੇ ਇੱਦਾਂ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਟਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿੜਬੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਹੈ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ
स्टार्ट तो पहले दिन तो लैके हुण तक? देखो मैं उस गल ते आ रहा दोबारा, मेरे कोई इदां दा है नहीं सीगा कि असीं इह काम करना जां इहनूं बिजनेस दे तौर ते लैणा जां इहनूं इदां आपां करना। मेरा तां इक छोटा जिहा सुपना सीगा कि मैं एक गीत सुनने वाला बंदा सी जिहनूं आपां स्रोता कह दिंदे आ, वो गीतों के ना बजते होंगे पुराने जमाने गीतकार जी, तो मैं जनाब मुहम्मद सदीक साहब भी भैन रणजीत कौर जी उन्होंने फैन सगा, मतलब कट्टड़ फैन कह सकते हैं, जनूनी फैन कह सकते ना, तो मैं बार बार उन्होंने गाने सुनता सी। हरेक गाने की लास्ट अंतरे आप अंतरे उदो ये भी नहीं पता होंदा कि अंतरा किनू कहें, उत्थे आ शब्द आ बाबू सिंह मान मरना वाला मान बड़ा वाला मिनटा में स्टोरी जोड़ता, हर जगह जाके मान साहब ने शब्द वरते हुए गीत कर देना है ना, तो उत्थे कन्न च शब्द पैंदा कि मराड़ा वाले मान वांगू जनरल घुमाण का नाम भी आना चाहिए। वो एक सुपने ने जन्म लिया, वो सुपने पिछे भजे आप उदों उतों फिर प्लास फेस का भी छड़ते, उदों बाद ट्रैक्टर भी बेचते, किसानी भी छड़ती, उस सुपने के पिछे भजन ने जिवें मृग तृष्णा होंदी है ना, तो मृग तृष्णा भी कही जी चीज़ हैगी है तुहानू कदे ना कदे पानी तक पहुँचा देंदी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इस इंसान नू भी जिहड़ा तुहाडे कैमरे के सामने बैठा दर्शकों के सामने बैठा, इस इंसान नू भी उस कन्न की जिहड़ी रस हैगा घुमाण दा ना आपदे कन्नी सुनण वाला, वह भी जनाब मुहम्मद सदीक साहब वर्गे एडे वड्डे मतलब जिहड़े आपां फनकार करिए, मेरे तां रहिबर ने मेरे रब ने, तो मैं तां उन्हां करके हाँ सब कुछ, तो वो आवाज़ के विचों तुहाडा नाम सुन दिया मैं देखो किड्डा बड़ा सुकून होगा। वो सुपने ने भजाया, उस मृग तृष्ण ने भजाया कि पानी हैगा पर उन लभदा किवें है जी, है ना, कस्तूरी की जिहड़ी खुशबू सी उन्हें नहीं भजाया सी, वह सच्ची मुची कुछ होर भी सीगा उस एरिए जितों मैं मतलब तुरया भज्या नठ्या डिगे खरे हुए दी एंड अंत भला सब भला जी। तो फिर मतलब कि चलो जिवें तुसीं हुण उह गल बात करिए कि तुसीं गाणिआं दे विच नाम सुणदे सी, ते गाणिआं दे विच नाम सिर्फ या राइटर दा सुणदा जां सिंगर आप दा कई बार पा लैंदा, जे आप लिखदा तां वी ठीक है, नहीं तां मतलब कि सिंगर भी अपना यूज़ कर लैंदा है ने, ते फिर तुसीं गीतकारी भी नाल है ना, मतलब कि उधरले पासे नूं ज़्यादा क्यों नहीं रख्या कि इधर प्रोड्यूसर वाले पासे नूं किद्दां आ गए? उहदे च दो गल्लां होईआं, जिहड़ा सुपना से तो गीतकार बनता सी जी, जदों गीतकार बने तो गीतकार बन के देखिया कि गीतकार नूं की मिलता, तुसीं इक समान बचाया आपदा लिखिया गाने लिखे तो गाने का अगला पक्ष की होगा, उन्होंने जमानों के सारिया सहूलत नहीं सगिया कि तुसीं आपदा गाना लिखो आपके घर कंप्यूटर से बना लो, नाल ही किसी मुंडे तो कवा लो, नाल ही वीडियो करा लो, यूट्यूब पर अपलोड कर दो, वह तो दफ्तर च गेड़े खाने पैंदे हुंदे सी ना, वो तुसीं 10-20 गाने दिखाओगे एक सिलेक्ट होगा हुंदा कि नहीं हुंदा, तो उदों बाद जदों गाने रिकॉर्ड होण लग गए तो लग्या कि यार ये होर कुछ भी हो सकता, संभावनावां होर हैगियां, उस संभावनावां ने जन्म दिता उस कंपनी में जिहदी आपां चर्चा हमेशा करदे हां CMC कंपनी खुली, तो मैं ते चंदारा सिंह चहल होर ने पहला कंपनी खोली सी चहल म्यूजिकल कंपनी, मेरे घरों खोली सी दिड़वे तो जी, तो बाद च आके वह कंपनी का नाम बदल गया जो जनाब मुहम्मद सदीक साहब मेरे पार्टनर आए, क्रिएटिव म्यूजिकल कारपोरेशन बनी वो कंपनी, तो वह कंपनी जो कन्वर्ट हो गई तो उदो एक पेशकार शब्द ने जन्म लिया पहली बारी पंजाबी इंडस्ट्री च गाण्या दे उत्ते किसी का नाम आने लग्या CMC एंड जनरल कुमार प्रेजेंट्स इदा का शब्द जी, तो फिर पेशकार वाले पास जिहड़ा सुकून से थोड़ा ज़्यादा से, जड़ के ये कह सकते कि उधर सुकी रोटी से इधर मतलब की चोपड़नी रोटी मिलने लग गई सी, फिर बंदा कहता चलो पेशकार नूं फिर पैसे तो खुद लाने पैंदे है ना। हाँ पैसे तो आप देखो पेशकार प्रोड्यूसर ही बनता, तो अजकल तो जमाना के होर पैसे भी पेशकार आने लग गया, पर तुहाडे जिहड़ी क्रिएटिविटी हैगी गाणा तुहाडे अंदर जन्म लिया गाणे ने, तुहाडी टीम ने गाणा पास किया जिवें दो बंदे टीम है चार की टीम है, तो गाणे नूं रिकॉर्ड करके तुसीं आपदी कला नूं आप मंडी च जाके परख तो लिया कि बिकदी है। हुण जिवें असीं पहली बारी साडी एल्बम आई सी जफरनामा, वो मेरे लिखे गाने से चहल साहब ने गाए से, तो दूजी कौम दा रही मेरे लिखे गाने से ढाडी सिंह ने गाए से, महफल अमल से मैं तो ढिल्लों साहब ने कमेडी बैठ के डिजाइन की थी, वो जदों वो व्यापार के कन्वर्ट होने लग जाती है फिर तुम्हें लगता चलो गीतकारी करते रहेंगे आप पेशकारी वाले पास अपन ठीक रहूगा, क्योंकि पेशकारी के शोहरत गीतकारी ज़्यादा सी, व्यापार से एक व्यापार ने जन्म ले लिया सीगा, तो उधर फिर गीतकार जिहड़ा दो कदम पिछे हो गया वो दो कदम अगे हो गया, पर चलता तो नाल नाल ही रहा, क्योंकि नहीं मैं कह सकता कि उन्ने गाने रिकॉर्ड नहीं हुए जिन्ने करने चाहिए से उन्ने नहीं हुए, बट फिर भी 500-700 गाना भी नाल गीतकार का भी रिकॉर्ड हो गया। बिल्कुल गीतकार, पर तुसी मार्केट नूं दिता कितना प्रोजेक्ट, मैं मतलब कि इंटरव्यू तो पहले जिवें चर्चा चलती सी 9000 दे
नियर अबाउट है ना गाने रिलीज़ हुए हैं, मतलब कि हाँ उन्होंने आप कह सकते हैं कि जो गाने टोटली हूँ तकरीबन किसी भी कंपनी चो हाँ भावें लकी स्टार की गल कर ली भावें सीएमसी जा कोई हो टिप्स दित्तियां एल्बमां बीनस दित्तियां सारे गामां दित्तियां जिन्हें आप बना के दिने तो वो टोटल मतलब उन्होंने जी कैलकुलेशन मनी जाती है कि एक कैसेट च 8 गाने होंगे तो अंदाजा 9000 के आसपास गाने मतलब मेरी हत्थां दे विच ही लंघे जी जा आप कहें वो मैं दिते या पेश किए या बेचे गाने जी। तो अज जे आप गल कर लिए अज 19 थोड़ा लगता कि शोहरत तो पैसा हैगा पेशकार जिन्ना पहला अज ज्यादा है अज उस तो कितने हाँ। ज्यादा बल्कि मेरे समकालिया ने जो गीतकार से जी मेरे समय के जोड़े पेशकार बने तो उन्होंने मेरे को वध पैसा कमाया। वह कारण की सी कि अगे जाके मैं भी और थोड़ा जा फड़ लिया रस्ता वह कारण यह मैं तो आपका गाना लिख के या गाने लेके इकट्ठे करके उन्होंने आपकी कंपनी च रिकॉर्ड करके पेश करता से वादे घाटे जिम्मेवार मैं सी जी। एक तुसी किसी पेशकार की पूरी एल्बम लैने तुम एक मुका के पैसे ले लिए तो रिलीज़ किया तो वह तो उन्हें जो अपना लेना से ले लिया मेरे समकाली जोड़े गीतकार से जोड़े पेशकार बने 5-7 तो उन्होंने मेरे को वध पैसा कमाया ठीक है उन्होंने मेरे को वध सुकून मई जिंदगी जी उन्होंने किसी के भी आ कालिया नहीं है अखा मूहे जे कह सकते हैं वो कोई भी हूँ यह नहीं कह रहा कि कह सकता कि यार भी मैं हूँ तो दोबारा सफ़र स्टार्ट कर रहा क्योंकि उन्ना कुछ लै चुके जिन्ना मेरा हाले बकाया रहा वो सब कुछ करी गए कर गए कारण उन्होंने कोई दोष नहीं है उन्होंने लैन होर सी मेरी लैन होर सी जी ठीक है जे मेरे नाल अज इन चीज़ा जुड़दिया ने तो यह मैं एक सुकून भी दिदियां ने जी जिहड़े वड्डे वड्डे तस्वीरां दे के इंटरव्यूआं दे विच आउंदी गल अखबारां च आउंदी रही जां कई कलाकारां नूं मैं जदों घरों उंगली फड़ के लैके अज कितें ना कितें वड्डियां वड्डियां गल्लां करदे ने जी किन्नियां किन्नियां उम्मीदां बणे होए ने वड्डे वड्डे स्टार ने आपां इह कह सकदे मेरे राहीं पेश होए कलाकार उह मेरे हिस्से चीज़ां बहुत वड्डियां वड्डियां आईयां ने की होया गाने घट रिकॉर्ड हो गए की होया चार छिलड़ घट कमा ले ठीक है ना पर होर चीज़ा कमाईया गई उन्हों का मुल कोई नहीं जी। जिवें तुसीं पहला दस्सिया कि मैं अपने घर का ट्रैक्टर वगैरह सारा कुछ बेचता है ना इस पेशकारी दे लई वो आप कह सकते हैं कहण दा भाव हाँ आप कह सकते हैं सती उहदे च बेटा की है भी एक आप जुआ कहने हाँ बिल्कुल रिस्क रिस्क फैक्टर तो हैगा हर पास मैं ये भी तुम्हें गल छोटी जी चीन बैठदा पहली जो कंपनी खोली ये तो है नहीं कि ये मैं 85,000 कंपनी से लाया होगा 80,000 कि 85,000 रुपया असी कंपनी खोल लो 85,000 रुपए च भी असी 70-80,000 रुपया अंदरला घर दो घर होंगे ना पिंडा च हाँ जी हाँ अंदरला घर बेच के लाया सी ठीक है वो कंपनी फेल हुई वो कंपनी किसी की निगाह च नहीं हैगी जाल एक कंपनी से जैद कह आडियो लिंकरस एक सौजा बबुआ माणोवेली आई है एक एल्बम अंब आई सारा अच्छा। संघ चहल दियाँ एल्बम आई उस असं हिस्सेदार से जिमें अजक शब्द चल रहा स्लीपिंग पार्टनर से हाँ पिछे पैसा असं लाया जी ठीक है वो कंपनी फेल हुई मुड़ के फिर घर गए तो उस कीड़े ने फिर नहीं टेकन दिता जनून ने फिर नहीं टेकन दिता क्योंकि मंडी च घूमना शुरू कर लिया होर लोगों कैसटा बिकदियां से दोबारे ट्रैक्टर वेच के कंपनी खोली सी जी अपना चहल साहब ने खोली वो ट्रैक्टर दूजी बारी बेचा सी मतलब दोनों चीज़ें कट्ठिया नहीं बेचिया जी जी बिल्कुल ठीक है मतलब वो ही गिर गिर के मतलब के उठे हाँ बहुत बुरी तरह गिर गिर के उठे कि जो हम आप इतने इस गल के जे कर लग जाइए लेखे जोखे एक जिमीदार को ट्रैक्टर होंगे जी एक घर होंगे दोनों चीज़ा बिक गई ज बेचती तो उदू बाद कंपनी नहीं चलती फेल हो गई तो उदू बाद की है फिर तो जो साढ़े पिंड हसते होंगे से वह जाता दे तरीके वाला वह जाता बाबू सिंह मानवाल वाला फिर तो वह चीज़ा फिर बंदा जो डिप्रैशन आता है या फिर बंदा एक होर झट मारन की कोशिश करता जमीन बेच लेंदा तीजा तीजा की हों है ना सही गल यही कुछ होंगे पर कितना कितने जी सो सी ना गल कुदरत वालों ये चलनी चल कुछ कितना कितने कुछ होगा तो ही कि ट्रैक्टर वेचण वास्ते भी प्रेरिया होगा अंदरों किसी आवाज़ ने या किसी ताकत ने रास आ गया जी। तो कि एल्बम ने ऐसी ने मतलब के कि एल्बम सी जिद सारे जोड़े गम है वो क्लीयर हो गए गम मतलब कि जोड़ा दिल के उबार सी कि एज अ प्रोड्यूसर आना है ना तो वह एल्बम चली तो उस तो बाद फिर थोड़ा हो गया होसला मिल गया होगे होर वधिया काम लै गया शुरुआती एल्बम सारी चलिया सी शुरुआती एल्बम ने जिते जिते आपका आपका काम किया उन्होंने अगे तुरन वास्ते प्रेरिया जिम्मे जफरनामा की मैं गल करदा कौम का हीरा की गल करदा महफिल अमले की गल करदा उदी पहलियां पांच एल्बम टेपा आप कहने उन्होंने दसता से भी इस काम से तुहाडे वास्ते कुछ हैगा जी तो उदू बाद 2.5-3 साल तक काफ़ी वधिया एल्बम
ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਿੰਦਰੇਖਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸਟਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਆਪਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਖੱਟਾਂਗੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਘੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨਾਮ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸ਼ੇਰਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਾਲ ਸੁਨਾਮ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਵੀ ਨਾਲੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦੋਨੇ ਸੁਨਾਮ ਕਾਲਜ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਭਜਨ ਸ਼ੇਰੇ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਜੱਗੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੈਦ ਕਾਡੀਓ ਲਿੰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਣਜੀਤ ਮਣੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਚੰਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ 5 ਟੇਪਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੇਪਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਹੋਰੀ ਡਿਊਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਕੀ ਹੋਰੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਪੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲੋਹੜੀ 'ਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਈਵਨ ਸੈਂਕੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੁੱਖੀ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵੈਸੇ ਕੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦਿੱਗਜ ਇੱਕ ਐਸੇ ਥੰਮ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਗਏ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੇ 900 ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਐਲਬਮ ਦੀ 850 ਐਲਬਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 9000 ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਗੀਤਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਰਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਰਿਆ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਤਿਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਘੁਮਾਣ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜੈਲੇ ਨੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਆਪਾਂ ਸੋਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾਂ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਵਜਨ ਜਾਂ ਭਾਰ ਜੱਜਾ ਬਾਰਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਰਾਰਾ ਵਾਲਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਨੰਨਾ ਵਾਲਾ ਭਾਰੀ ਲੱਲਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਾ ਮੋਡਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੂਰੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਰਭਜਨ ਸ਼ੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵੇਲ 'ਤੇ ਚੱਕੂਗਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਕੂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਰਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਕੂਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫਲਵਾੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਸੁਰਸੰਗਮ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਰਸੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਪੂਰਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ
चंडीगढ़ उन्हों का घर ही होंगे सी एक तकरीबन मैं खुद भी जो छोटा हों जाता रहा एक बार मैं याद है मैं एक ऐड सी सोहना पंजाब की शायद तो जोड़े अपना अनु कसौटी जिंदगी दे विच जिहड़ी प्रेरणा है ना उन्हां दा मेरे नाम नहीं याद आ रहा उस एल्बम उहदी डबिंग लई आया सीगा ते उहदे विच अनमोल करमजीत अनमोल भाजी ने डबिंग करी सीगी उहदी सोहना ऐड दी ते उहदे विच मैं भी करे तुहाडे स्टूडियो दे उस टाइम डबिंग छोटे हुंदे ने नहीं उस की है ना देखो स्टूडियो 27 साल हो गए लगे नूं मेरा सफ़र 35 साल का हो गया उस स्टूडियो कलाकार नहीं आना होंगे तो मेरा काम करने का जनून सीगा क्योंकि मैं पेशकार के विचों एक गीतकार भी सीगा उन्होंने सारे जिन्हें भी काम करने वाले आर्टिस्ट थे उन्हें स्टूडियो बह के गाने गुने बनाते होंगे तो वो सारा एक आपदे आप टीम से टीम वर्क तो असं काम करते कई कई एल्बम अस इदा भी है जिन्हें कि सारे ने बैठ के करमजीत अनमोल ने प्रीत रपाल ने इन्होंने सारे ने बह के तर्जा बनाई उदों असी आपका एक मंदिर ही मन के उत्थी काम करते अभी भी अभी उखो स्टूडियो के कम करन दा आपदा जनून है आपदे तरीके नाल गाने तैयार होंदे उत्थे मेला लगने लगना सीगा मेरी एक सुभाअ सीगा उदों कि मैं इन्हां कलाकारां नूं जिहड़े भी अज्ज वड्डे वड्डे स्टार हैगे इन्हां नूं नाल इस करके रखदा सी कि एक दूजे नूं समझ के तुहाडे जिहड़े आइडिया तुहाडे दिमाग च रहिण उहदे ते कम वधिया हो जांदा है ना ते उहदे च तर्जां वधिया बणदियां नेड़ता आउंदी है मतलब कई कई बार कहानियां भी वापरदियां ने गाणे दे विच जिवें आपां करमजीत अनमोल की गल करिए ਤਾਂ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਆਸ਼ਕ ਭਾਜੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਹਰਭਾਜੀ ਸ਼ੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਬੰਤ ਰਾਮਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮੀ ਗੀਤਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਕੇ ਦਾਰੂ ਤਵੇ ਖਰਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰੇ ਛੱਡ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ਕ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗਾਣੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕੇ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਗਾਣੇ 'ਚੋਂ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਆਸ਼ਕ ਭਾਜੀ ਉਹਦੀ ਐਲਬਮ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆਉੜੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਰਪਾਲ ਉਦੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰਪਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਿਆ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਪਟਾਪ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਧਰਵਾਸਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਪ੍ਰੀਤ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਗਾਨੇ ਤਾਂ ਬਗਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਬਗਾਨੇ ਤਾਂ ਬਗਾਨੇ ਨੇ ਸਟਾਰ ਬਣਾਤਾ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੇ ਜੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਫੁਰਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਫੁਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਫੁਰ ਜਾਵੇ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਮਤਲਬ ਗੇਮ ਖੇਲਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਹੋਏ ਬਟ ਉਹ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਐਲਬਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫੇਲ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 2% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5% ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਉਹ 2% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5% ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 1 ਜਾਂ 2% ਵੀ ਰੀਸ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਲਬਮ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਗਾਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਲਾਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਲਗੋਬਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲ ਰੇਸ਼ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਐਲਬਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਛਨਕਾਟੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਨਕਾਟੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 80 ਛਨਕਾਟੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਛਨਕਾਟੇ ਹਿੱਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਐਲਬਮ ਹਿੱਟ ਛਨਕਾਟੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹਿੱਟ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੇਲ ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਐਲਬਮ ਪਾਈ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਬਣਾਈ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਮੁਹੱਬਤ ਹੰਸਰਾਜ ਭਾਜੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਐਲਬਮ ਅਸੀਂ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਕੈਸਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਰਿਧਮ ਵਾਲੇ
सके। एक असी बिना सुने लई सी जा ट्रैकों की कोई गल जी सी भी इन्ने ट्रैक ने वो साडे लोगों समझ नहीं आई साडे कोल वो डैक डुक नहीं सके वो बिना सुने लई सी ना तो हंसराज हंस भाजी ने उस माड़ा गाया ना वो गाने बड़े बड़े राइटर के गाने गाने माड़े से समा नहीं सी यूनिटी ऑफ टाइम यूनिटी ऑफ प्लेस यूनिटी ऑफ वर्क की कितने ना कितने घाट सी पर उन्होंने आप कहेंगे उन्हों मैं व्यापार कर चलिया मेरा व्यापार रास नहीं आया पर एलबम तो बड़ी सी हंसराज हंस भाजी की इतने आप जो गल करिए पहली टेप हिट जिस करके असं टेप करनी सी पहली टेप तो अगली टेप असी तैयारी चल रही सी अगली एलबम की अपने बहुत ही नामवर हस्ती है जिन्हें आप बड़ा विचरे मैं बड़े भरा वांगू अपने विचरे मेरे तो बहुत ही जगह जगह पर उन्होंने मेरी हेल्प की शमशेर संधु भाजी असी बह के सलाह की आप हंसराज हंस भाजी की अगली एलबम करनी है असं तैयारी कर रहे बिचों ये मुहब्बत कैसेट कितने रिकॉर्ड हो रही थी यूके तो मेरी सोच ने यह काम किया कि पहली टेप हिट है नचण तो पहला हो गया नाली दूजी कोई होर आके बंदा फायदा ना चक जाए जी आप एलबम करा असी दो टेपा कर चक्कर वो टेप लिया जी साढ़े होनी सी तो होकर फिर टिप्स हिट हुई देखो कितने कई बार ना कई गल नहीं आनी आदि थोड़े हिस्से वो कैसेट पहली हिट साढ़े फेल अगली फिर हिट मतलब साढ़े हिस्से पॉपुलरिटी वास्ते मुहब्बत ने आना सी फेल होके कैसेट हिट होके पॉपुलर होंगी है साड़ी फेल होके अज मुहब्बत इस पक्षों हिट है कि वो हर जगह गल होंगी है कई बार थोड़े इदा के फैसले आ जाते हैं मूहरे तुम्हें पता भी नहीं होंगे कि यदा रिजल्ट की होगा पर तुम लै जाने कई बार गर्मजोशी से लै जाने कई बार तुम आपके व्यापार को बधाने के चक्कर लै जाने कई बार थोड़े च ना तो जरा किरदार होंगे जी जी काम करने का तरीका होंगे सुभाष होंगे तोड़ी जी आप भी कह दें जट बाद में शब्द वरदान आपके वास्ते हूँ जटा का की होंगे जटा जट के इदा के फैसले लै जाते चक्को जी कर देना हो सकता उदा का कोई फैसले लाए हो जिते घाटा वाधा होया हो पर मुहब्बत की भी मैं जे गल करा मुहब्बत ने भी सानू आपदे लैवल पर घाटा वाधा करया होगा पर मुहब्बत तो बाद जी CMC कंपनी बनी सी पंजाब दे विच अगले साल जो होया सी ना तो उस उसके नेड़े तेरे कोई कंपनी खड़ी भी नहीं सी सब तो बाद जो उदू बाद कैसटेंट CMC दी होई सी 94 दी मैं गल करा मैं जानदा मैं मतलब कि इत्थे एक वर्ड यूज़ करूँगा ट्रेंड सैटर क्योंकि थानू एक ट्रेंड सैटर प्रोड्यूसर भी कहा जाता है तुसी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री दे विच एक नहीं दो नहीं घट्टो घट्ट 5-6 बार ट्रेंड अलग अलग सैट करिया ते मुहब्बत एलबम दी तुसी गल कर रहे मैं कई बार फैमिली दे विच जिक्र होंदा होंदा घर हुण भी कुछ दिन पहला असी जलंधर गए हुए थे बनी शर्मा जी के घर बैठे हुए थे उत्थे ते बनी शर्मा जी के घर बैठे बैठे गल्लां बातां चलियां इस मुहब्बत एलबम दियां कि कहिंदे उन्होंने फिर पापा ने दस्या कि उदों मतलब कि जरनैल घुमान साहब ने एक वड्डे होटल दे विच चंडीगढ़ दे विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के पहली बार ट्रेंड चलाया सीगा कि किसी एलबम की वड्डी तरीके नाल लॉन्चिंग की जाए। हाँ देखो की सीगा हंसराज हंस भाजी बहुत बड़े स्टार ने हाँ जी माँ साडा माण है पंजाबियों का तो उन्होंने एलबम हिट हुई हाँ जी बड़िया बड़िया कंपनियों के पिछे CMC कंपनी चाहती सी कि असी एलबम रिलीज करनी है CMC कंपनी उस तरीके की पबलिसिटी ना करती उस तरीके उन्होंने सारा ट्रीटमेंट ना दें तो गल आँदी कि पंजाब दी कंपनियां बड़े कलाकार बड़े स्टार पेश नहीं कर सकदियां तो ताही एडे एडे होल्डिंग लगे से यह गल भी कुदरती साढ़े हिस्से आई कि किसी भी एलबम के कटआउट होंगे होल्डिंगा दे पंजाब पहली बारी लगे तो हंसराज हंस भाजी की मुहब्बत लगे जी CMC ने लाए इन्ने बोर्ड लाए सब कुछ होया पंजाब की कंपनी ने पहली वड्डी पार्टी कि लुधियाने हुई सी पार्टी उन्हें की एलबम चली ना चली बाद की गल है वो दलेरी इस करके नहीं सी कि असी अखा बंद करके पैसा ला रहे थे वो दलेरी दे विच एक प्लैनिंग सी बिजनेस की कि भी आने वाले दिनों बड़े कलाकारों ने रिलीज करना बड़ा प्लेटफॉर्म शो करना पड़ेगा है ना वो बड़े प्लेटफॉर्म से CMC पहुँच चुकी सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इन्होंने भी किया जाता है जो कि मतलब कि बहुत जरूरी है कि किदा किसी चीज़ को प्रजेंट करके लोगों के सामने लेके आना ट्रेंड सैटर की जिस तक गल करते हैं आप ट्रेंड सैटिंग की गल कुदरती हिस्से नहीं पैंती उद्देश्य स्ट्रैटेजी काम करती है दूरदर्शिता काम करती है एक बंदा आपका घर बेच दिंदा जी वो दूरदर्शिता के मैं कामयाब होना वो जाता है उन्होंने थोड़ा थोड़ा नज़र आता दूजी बार वो ट्रैक्टर बेच दिया लगता कि वो कुछ ना कुछ होगा है ना तो चलता रहता बंदा वो दूरदर्शिता दे विच ही हर बारी ट्रेंड सैट करता कि नवे मुंडियां ते पैसे लाओ नवी आवाजा ते पैसे लाओ इदा पबलिसिटी करके कंपनी दे कोल अट्रैक्शन दो कलाकार आउण मुहब्बत दी ऐड देख के मैनू बहुत ही नामवर हस्ती साडी इंडस्ट्री दे होए ने बहुत बड़े प्रमोटर ने अपने कनेडा गिल मनिंदर गिल भाजी जी जी उन्हां दा मैनू कॉल आउंदी है
कि कमान साहब मैं बधाइया तुम हंस भाजी तरीफ बहुत वधिया ढंग जी की है, मैं तुम्हें एक डैट भेजदा, उन्होंने दिन डैट होंगे से अजक तो पैन ड्राइव जाना सर कि तुम रिलीज़ कर दो मुंडा तो कल आऊगा, तो अगले दिन मेरे को मनमोहन वर्ष भाजी कमल हीर हो रही संगतार हो रही दीपक वाली हो रही ये चार एक गड्डी आते हैं ठीक है, तो वह मैंने आके कहते तुम्हें भाजी का फोन आया होगा असं वो कैसेट रिलीज करते हैं, वो कैसेट जिन्नी मुहब्बत बिकनी चाहिए सी मुहब्बत मेरी मनिंदर गिल वाली जी मुहब्बत है वह बिकनी मतलब व्यापार है व्यापार के सब कुछ होगा। उस तो बाद फिर मनमोहन वारस जी की एल्बम की सोबड़ पर उही एल्बम जी डैट आई से उही सोहना लारे टेप से उस हूँ तेन टक्करा सजरे सरीक तेरे बन के वो गाना हिट होया है ना। ट्रेंड सैटर की गल दूरदर्शिता है कि हूँ की चलूगा आप बदलते रहे जी। मैं इतने ये भी गल कहना पहली बार थोड़े चैनल से कहना जो सी एम सी कंपनी बंद की वह भी एक दूरदर्शिता सी जी, वो की दूरदर्शिता सी मेरी वो किताब के आप सारिया हूँ गल् करा तो हूँ तुम जिमें एक आर्टिस्ट तुम दसता कि है ना हंसराज हंस जी जेडे कि थोड़ा डिसीजन गलत हो गया, तो एक मेरा सवाल होर हैगा कि पिछे जो मैं मतलब कि मौका मिले मतलब कि तुसी थोड़े भी फ्रेंड ने बहुत अच्छे हैं तो सारे जानते हैं गौरव त्रेन जी कैटरैक के जो ओनर ने हाँ। ते ओ मेरे नाल स्टूडियो दे विच इत्थे आए तो उन्होंने गल्लां पता कीतियां तो उन्होंने एक गल कही सी कि बब्बू मान साहब जिहड़े इस सदी के एक वड्डे आर्टिस्ट ने है ना सारे जानते हैं उन्होंने कट्टड़ फैन फॉलोइंग है पूरी दुनिया के शायद वैसी फैन फॉलोइंग किसी होर आर्टिस्ट की नहीं हैगी है ना, तो कि उन्होंने भी तुम रिजैक्ट किया उन्होंने गल कही सी कि पहला वह घुमान साहब को गए तो घुमान साहब ने उन्होंने रिजैक्ट करता ये की हूँ आप सारी गल क्लैरिफिकेशन करनी है पहला मैं वो दर्शकों वीडियो दिखा दा जी गल कही सी उन्होंने पहला आप वीडियो दिखा दें फिर उस तो बाद गलबात अगे बिल्कुल बिल्कुल जिसे को कलम का हुनर है और वोकल अच्छा है जी उस तो अगे की लभना सी तो जनून का फिर तो थोड़ा बाद पता लगे होना कि किन्ना के जनून है ना ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਕਦੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਾਂ ਮੋੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਗੌਰਵ ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੇ ਬੱਬੂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਊਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਦਲ ਜੂਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਦਲ ਜੂਗੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਫੈਡ ਬਹੁਤ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਗੌਰਵ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸੁਰਸੰਗ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁਰਸੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੀਓ ਕੰਪਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਿਹਾਲ ਹੋਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ 22-23 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਪਰ 22-23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਗਾਣੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟਰ ਗਾਣੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਇੱਕ ਰੂਰਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਸੰਗਮ CMC ਦੇਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਕੱਢਦੇ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗਾਣੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੋ ਸਟੈਪ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕਦੇ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੋਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਹਾਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਊਂਗਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉਹਨੇ 1,00,000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੜਬੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਦਿੜਬੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 4-4 ਘੰਟੇ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਸਾਡੇ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਟੂਡੀਓ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ
कि बब्बू होरी होर कि भी इन ये जी गाने है ये बड़िया कंपनियां एग्जाम्पल के तौर पर गल करिए मैगना साउंड होंगी उदो बी एम क्रिसेंडो होंगी बड़े वे ब्रांड नहीं आपको कोई लेंदे भी उन्होंने रिलीज करने वाले गाने बड़े गाने ने मैं इदा का कोई शब्द किया हो जू जिद अर्थ बड़े निकलता जी जाने कि मैं वह कैसेट पसंद आई वो ट्रेंड पसंद आया पर मेरी कंपनी वो भार झग झलन के काबल नहीं है जी ठीक है मेरी हूँ कान की कुली हैगी है मैं बुलडोजर कि मैं धर लूँगा तो उत्ते वो एड्डी वड्डी एल्बम सी जी ठीक है पर तुसी रूरल दी गल करी मैं इस गल ते हां जी ते मैं उन्हां नूं एक सलाह दिंदा कि भाजी इन्हां ते बग जाओ जी कंपनियां कोले वो कहिंदे कमान साहब तुसी करनियां करो ये तां असी सारे जाए उन्होंने एक होर आपदे स्टाइल च गया कि बब्बू मान दा एक बहुत ही आपदा घेंट स्टाइल है गल करन दा ना कॉन्फिडेंस वाला स्टाइल है एक गल मैं इत्थे होर कह देवां मैं जिंदगी किन्ने कलाकारां नाल कम कीता किन्ने कलाकारां ने मैनू कैसटां सुनाईआं वो सीन अज भी मेरे याद है जो मैं बब्बू होर ने यह गल कही क्योंकि जिथे मैं बैठा से मेरे आशीर्वाद लैन वास्ते हुंदरी दफ्तर होंगे पिछले बाबा नानक देव जी की फोटो लगी सी तो मैं उन्होंने ए उंगली करके कहा साहब वो बाबा नानक बुला रहा बब्बू आ जा है तुझे सिरपा का ना ही देना जी मैं उस वेले उस इंसान के कॉन्फिडेंस से हैरान और जी चेहरे की रौनक वो तो हैरान भी जिम्मे पता ही होंगे कि हूँ यंग एज बंदे जो ओवर कॉन्फिडेंस भी होंगे नहीं ओवर नहीं सी एक कॉन्फिडेंस होंगे कि हाँ मैं पक्का नहीं ओवर होंगे गल होर सी फिर ओवर होंगे मैं वो तरीके गल करता ना जो ओवर होंगे फिर देखो ओवर कॉन्फिडेंस वाले तुम वो सलाह नहीं देंगे जी मैं दी जा मैं जरा रिएक्ट किया तो उस इंसान का थानू तो लग एक बार मतलब कि तुम एक बार तो थानू लग्या होना कि मुंडे च ओवर कॉन्फिडेंस है सामने मैंने नहीं लग्या मैंने उस जहाँ ना तुम कल ना ही देना बाबा नानक का बाहर है कि बब्बू आ जा जी वो किड्डी वड्डी गल है उस जमाने ते दूजी गल पर अज तुसी ये गल कह रहे हो उस टाइम थानू लग्या होना है जरूर नहीं मैनू क्यों लगा तू मैं जे तां तैं कहाउणा है तैनू कोई पता जे मैनू उहदे नाल कोई प्यार भी मिलदी है फिर मैनू कह मैं फिर दूजे तुसी रूरल दी गल करी है ना रूरल दा मतलब कि थोड़े पेंडू उहदे विच ते जिहड़ा गाना उस एल्बम दे विच हिट होया पिंड पहरा लगदा उह रूरल ही गाना सीगा उह मतलब कि पूरे दुनिया दे विच उस गाने ने इस गल नूं दूजे पासे गल करिए हुण मेरे इह याद नहीं हैगा मैं तैनू कॉफी पींदे वी कह रहा सी कि उह गाना उस कैसेट सीगा कि नहीं सीगा ते जिहड़ी मैं गल कर रहा जे उहनां दे समां दे लोक जाणदे होण ते जिहड़ियां कंपनियां दा मैं जिक्र कर रहा उस लैवल दीआं कंपनियां उदों इदां दे गाने करदियां सी जिहड़े कि पूरे मतलब जिहड़ा ट्रेंड सैटर दी गल करदे आपां ये ट्रेंड सैटर एल्बम बनी भी सी उदू बाद जिहड़ा उदू बाद चेंज आई यूनिवर्सिटी व्डे व्डे शहरों से गाने सुने जाने लगे वो एल्बम से मेरा कद काठ सुर संगम का उदो एडा नहीं कि वो एड्डी वीड्डी कैसेट में फैला सके जो लोगों तक पहुँचा सके वो मैं उससे गल करदा ट्रेंड सैटर की आप जो गल करिए जो बब्बू मान का कॉन्फिडेंस है वह बब्बू मान का कॉन्फिडेंस इस करके से क्योंकि वो आपदे लिखे हुए गाने से ठीक है जे मैं रूलर की गल करा रूलर शब्द मैं गाणियों वास्ते नहीं वरतदा मैं आपकी मार्केटिंग वास्ते वरतदा जी मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सी जी मैं उत्थे तक नहीं कम कर सकता अज दी अज आपां गल करिए अज गाना यूट्यूब चढ़ाउणा जिथे मर्जी चल जाए उदों इह गल्लां नहीं सी कैसटां फिजिकल जांदियां हुंदियां जां इक कंपनी दा इमेज हुंदा सी कि इदां दे गाने कढ़दे ने अज तां चुटकले वाली कंपनी सी साडी तां ठीक है ना उदों बाद जदों गल इह होई गल हुंदे तों बाद मैं कहिंदे सारे पासे जाए फिर मैं कहा मैं फिर इक कम तुसीं करो जिथे अपना जिक्र आया गौरव भाजी का मैं फिर अपने एक कंपनी हैगी इतने लोकल उन्हों की इदा की इमेज है कि इदा के गाने कढ़ते हैं जो तुम उन्होंने समय दैटरक दैसटा क्डो तो मेरी तो सुरसंग दैसटा के अंतर नज़र आऊगा जो मेरा शब्दों से अंतर है भी कैटरक कंपनी हैगी उन्होंने जाके गौरव भाजी उन्होंने एल्बम सुनाओ वह उदू बाद उ गए कि रही गए सीधे गए किमें गए वह मेरा पार्ट नहीं है उत्थे गए वह कैसेट रिलीज़ हुई किमें हुई वो हिट हुई कैसेट ठीक है इतने तक सबन पता है ਇਹ ਕੈਸਟ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੈਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਘਮਾਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਈ ਕੈਸਟ ਸੁਣੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਲੈਣੀ ਸਿਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਉੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਗਏ ਅੱਜ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਏ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਏ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਏ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੈਸਟ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਸੁਪਰ ਫਰੇਟ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦਿੜਬੇ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਿੜਬੇ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ
कलाकारां दा एक आपदे आप च कंपीटीशन हुंदा कि कौन कलाकार आऊगा उत्थे कदे गुरदास मान भाजी जांदे आ कदे जिहड़ा भी मौके दा स्टार हुंदा जांदा असीं बड़े ओह मेले ते बिल्कुल बुलाया कलाकारां नूं ते उस टूरनामेंट दे उत्ते एक प्रॉब्लम आई सी साडे दो क्लब हो गए सी साडे जी एक क्लब दूजे पासे हो गया सी दूजे क्लब पासे हो गया सी एक क्लब ने साडे ने गुरदास मान भाजी दा खड़ा बुक कीता सी जी दूजे पासे बब्बू मान भाजी दा खड़ा करना चाहुंदे सी साडे क्लब वाले मुंडे जी है ना इदां दा कुछ सीगा साडे क्लब वाले मुंडे वह बब्बू मान होरां कोले किन्नी गेड़े मार गए सी बब्बू मान होरां ने आपदे तरीके नाल खड़ा बुक नहीं कीता सी कि मैं नहीं करना क्योंकि इन्हों के आपके असूल ने बब्बू मान होरां देखो ये गल मैं कर रहा 97-98 के नेड़े करीब 99 होगा 2000 होगा 20 साल पहला बब्बू मान होरां के उही असूल अज भी चले आ रहे हैं जी असूलों वाले बंदे दे फर्क हुंदा है अज भी चले आ रहे हैं उन्होंने साडे क्लब के मुंडियां नूं जवाब दिता उन्होंने एक अप्रोच लाई दो लाई ये गल्लां मैनूं बाद च पता लगियां फिर साडे क्लब के मुंडियां ने मैनूं आके कहा कमांड साहब आपां ने बब्बू मान कोल चलना मैनूं तां पता ही नहीं सी जे तां उह कहिंदे सी चार वारी जाए सानूं बब्बू होरां ने जवाब दिता सी मैं टूरनामेंट ते जां नहीं जाना किसी भी कारण करके भी बराबर नहीं जाना जां नेड़े तेड़े नहीं जाना मैनू नहीं पता सी उस गल तां साढ़े इलाके दे MLA मिनिस्टर रहे ने बहुत बड़े अजकल बॉडी शख्सियत ने बाबू सिंह अपना बलदेव सिंह मान हो जी जी उन्हों का फोन आता है कि कितने घुमाण मैं क्या स्टूडियो कहना आज आप कितने जाके आना उन्होंने की गड्डी बहना असं 70 रेंदे होंगे बब्बू हो रही उदो कोठी इतने होंगी 70 असं जाके उन्होंने कोठी के गेट से एंटर करते हैं जो आप गेट से एंटर करते हैं अपने देख लग जाता कौन कौन है चार या पांच मुंडे होंगे पिंडों मानसा सके साडे मानसा बलदेव मान जी जी दो तीन क्लब के मुंडे से तो बब्बू मान और उत्तों तकरीबन तकरीबन 25-30 फुट के गैप से सर्दियों के दिन से चार पांच कुर्सियां 6 कुर्सियां से बैठे आपके सज्जना मित्र महफिल जवाई बैठे से गल्लां बातें करते तो उन्होंने साडे बंदे ने जाके ये नहीं कहा कि असं टूरनामेंट से खड़ा बुक करना है साडे बंदे ने कुछ नहीं कहा बब्बू मान का शब्द से लै भी हुण तां जाना ही पैना दड़वे है ना कि हुण तां ये कोई भी क्या बाबा बोर्ड नूं लै जां किसी नूं पिया भाजी नूं कुछ भी शब्द वरत्या होगा क्योंकि उदों आ नहीं हुंदा सी कि लैब होकर एंटर करदे अंदर हुण तां लैब होकर एंटर करदे कला कला शब्द भी बब्बू ने तो यह कहा घुमाण ने उत्थे कहता बट ये उत्थे एक सुभाविक तरीके नाल एक बणत सी जानी कि बब्बू मान होरां ने मैनूं इन्ना अदब दिता सत्कार दिता कि भी हुण जरनैल घुमाण होरी आ गए भी हुण टूरनामेंट करना पैना खड़ा करना ये रिस्पेक्ट भी होंदी है ना कि हां ठीक है नहीं मैं तो कोई कमी नहीं किते तो कद जिंदगी वैसे भी फिर जे मैं उस बंदे दी चलो मैं ऐसे इत्थे मैं गौरव भाजी दी गल ते आपां नूं होर तरीके नाल करदे आ जे मैं उस बंदे दी जिहड़ी एल्बम दा रिजेक्ट शब्द आ प्रोजेक्ट हुंदा है कि तुसीं इहनूं खारज करता इह हुंदा है ना खारज करना ते समर्थता दिखाउणी रिलीज़ ना करन दी दोनां च अंतर हैगा है ना रिजेक्ट कर दे हुंदे बब्बू मान कहिंदा इह तां उदों भी अगला बंदा लै जिहने मैनूं उदों मतलब डोमिनेट कीता सीगा इह कीता सी ना बब्बू होरां दा देखो इत्थे हुण आपां हुण पिट्ठ नहीं सुनदी हुण मूँह सुनूंगा मेरा उन्हां नूं जदों भी तुसीं इंटरव्यू देखणगे कदे कि बब्बू मान होरां ने इन्ना अदब दित्ता कि लिया भी डायरी कढ के हुण तां दिल्ली डेट लिख है ना जी उत्थे असीं बैठे चाह पाणी जो उन्हां दी महफिल चल रही स्टॉप होई पॉज कीती चाह पानी का माहौल बनया डायरी के उत्ते डेट लिखी गई पैसों की गल आई तो उन्होंने कुछ नहीं जी हूँ पैसे पूसों की गल पिछे रहेगी मान साहब क्योंकि साढ़े बलदेव सिंह मान होर उन्होंने शब्द उन्होंने बोले तो हूँ भाजी आ गए हूँ एक करना ही पैना ठीक है तो डेट बुक हुई एक शर्त रखी उस टाइम पर बब्बू होर ने कि कमान साहब जो तुम नहीं आओगे तो मैं स्टेज पर नहीं चढ़ूंगा अच्छा जी ये शब्द शर्त रखी मैं क्यों नहीं आऊँगा मैं हालांकि मैं ना मेरा जाने का कोई मूड नहीं मैं थोड़ी जाना सी मैं तो जाते नहीं है ना क्योंकि अपना काम है ना पर उन्हें शर्त रखी कि तुम जे नहीं आओगे तो मैं स्टेज पर नहीं चढ़ूंगा हूँ मेरे क्लब के बंदे ने मेरे आपका क्लब खड़ा किया क्लब है टूरनामेंट असं कलियां पाते रहे ग्राउंड उदों है वो टूरनामेंट एडा वा टूरनामेंट जो हो मैं नहीं जाऊँगा फिर उत्थे मैं क्या मैं आऊँगा साढ़े सारे बंदे कि भाजी तुम चलो गए दिन आया टूरनामेंट का टाइम आया शाम के टाइम से तुम्हें पता खड़ा लगता हों तकरीबन उदों भी लख बंदा इकट्ठा हों बब्बू मान का क्रेज़ से क्योंकि पिंड पैरा लगता गाने ने धूड़ा पट्टे सगिया बिल्कुल ठीक है ना वह उस लैवल का गाना सीगा उदू पहला बहुत घट गाने इन्ने हिट हुए थे बब्बू मान का एक अलग तो क्रेज़ से ट्रेंड सैटर बनया से गाना जी तो उत्थे टूरनामेंट के एक ब्रेक होंगी है धार्मिक गाना गा के जा एक दो गाने गा के कितने किसी ना किसी बंदे को शायद वीडियो पी हो दड़वे मैं इस कैमरे जरिए भी कहूँगा तुहाड़े शो जरिए कहूँगा जे किसी को उस खाड़े की वीडियो पी है तो मेरे को क्लिप भेजन ताकि तुहाडे नाल सांझा हो जाए उदों तुहाडे जिहड़े मतलब कि उत्थे ऑर्गेनाइजर्स ने शायद नहीं पुरान 22 साल पुरानी गल किसे होवे तां कर लैण हो सकदा ठीक है ना आपां मैं फोन भी कर दूंगा प्रधान नूं ते उत्थे की अनाउंसमेंट की हुंदी है कि भी हुण मैं एक हो ऐसी शख्सियत नूं तुहाडे सामने पेश कर रहा बुला रहे हैं तुहाडे पिंड दे हैगे भाजी असीं दड़वे दे
तो मेरा नाम लेके कि जिन्होंने कहा कि बब्बू तू आ जा कोई शब्द सके वो टेप चाहे कि जितों भाव अर्थ निकलता कि मैनू इन्होंने कहा कि उत्थे जा तेरी मंजिल उत्थों स्टार्ट होंगी है मतलब इदा के अर्थ निकलते उस शब्द के फिर उस रिजेक्ट कितने गया ठीक है अज भी मैं कम नहीं किया बब्बू होर अज भी साड़ी निग की है उही है ना कारण की है कि जदों ती आप नहीं कुछ कर सकते कहते होंगे ना कि तुम जो कर नहीं सकते तो उसमें करने वर्गी सलाह दे दो मैं गाने नहीं उन्होंने बदलने किया मैं म्यूजिक बदलने नहीं किया ठीक है मैं सिर्फ ये कहा कि यह एल्बम इतने इतने रिलीज हो सकती है वो कहते इतने भाजी जाए तो तुम इतने जाके देख लो है ना उन्होंने देख लिया क्योंकि हो सकता मैं इतने होर कह देना सती तेरे शो के हो सकता है जे मैं वो टेप रिलीज कर दिता ठीक है जे मैं देखो तुम मेरे ना बहुत बड़े बड़े भारे भारे शब्द जोड़ते हो मैं इतने कहना इन चक लियो चाहे तुम कि हुक लैन है हो सकता जो एल्बम मैं रिलीज कर दिता तो असं एक बहुत बड़े स्टार तो हाथ धो पे हो सकता कैसेट हिट ना होंगे क्योंकि कितना कितने स्टार स्टार्स भी बहुत मैटर कर है ना तो हो सकता हालांकि उन्होंने मेरिया बड़ी बड़ी टेपा से हो सकता वो एडू वी हिट हो जाती दोनों चीज़ा चांस आता है कि वो जे प्रोज एंड कॉन्स जिमें आप कह दें इंग्लिश के जिमें पॉजिटिव तो नैगेटिव दोवें साइड्स होंगे हर एक चीज़ दी देखो मैं इनू पॉजिटिव ही लूँगा जी कि पॉजिटिव त करके लूँगा क्योंकि अज असं एक बहुत बड़े स्टार नू मान रहे हैं जी वो करोड़ों की फैन फॉलोइंग है उस जमाने जो कि वसीले होर से पब्लिसिटी के चीज़ा होर सी अज का सोशल मीडिया है तो दूजे पास मैं उन्होंने फैन फॉलोइंग या ट्रेंड सैट की गल करा यह नहीं है कि उन्होंने रोमांटिक गाने या उदा द पिंड पहरा लगता गाने करके बब्बू मान हिट है और राइटर किड्डा बड़ा जी ये किसी ने कदे नहीं देखा यदि कदे आप गल ही नहीं करते आप फैन फॉलोइंग की स्टारडम की दूजे पास गल करते हैं उस बाद एक गाँव कड़ता उस दिड़बेदी की आना मैं दुबारे बाबा नानक जी वाला गाँव आता जी जी उस दिड़बे के उस गाने तो बाद उदू दुगुना कट हों कंधा ढह जाते साडे स्टेडियम दिया मैं छे घंटे जाम लगता है मेरी आपकी गड्डी छड़ के मैं तुर के आना पैंदा है किड्डी दूर तक पूरा हरियाणा ढुक जाता है वह की सी कला ये नहीं आप कह सकते असी यह नहीं कदे अंकड़े करते कट्ठे कि बंदा लिख की सकता है चाहे जिहड़े मर्जी जाऊं उन्हें विषय पर लिखा बब्बू मान वर्गे कलाकार जे सिहरद है इदा के होर आ जा अज की म नवी पनीरी भी इन्होंने गलों कि ना कि देख लवे तो पंजाबी जवान जी है होर बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी बन सकती है बिल्कुल तो गलां बातें होर कर दिड़बे बारे मैं होर भी गलबात करनी है पर मैं टाइम देख रहा कि टाइम भी अज का जोड़ा है हों जा रहा है ना टाइम तो बहुत वाइया आप बब्बू की गल कर रहे तो आप हम इन्होंने गलों बातों वधावे पर आप पार्ट टू के ले जाने गलों बातों है ना पार्ट वन आप जो इतें खत्म करते हैं तो दिड़बे की जी गल चलती है आप अगले पार्ट के शुरुआत तो करा बिल्कुल सो आप ले लिया आ गया जी बिल्कुल है ना सो इस तरह सतरंग सैलीब्रिटी को प्यार देंदे रहो चैनल सतरंग जिन्होंने अजे तक सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लो मिलेंगे हुण पार्ट टू के एक बार फिर जरनैल घुमान जी के करा अगे गल्लां बातां सत श्री अकाल सत श्री अकाल